अब एक इम्पोर्टेंट चीज पे बात करते हैं, हमारा ये कंडीशनर कैसे बेहतर है, और इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें याद रखिएगा। इस पे बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रोडक्ट बनाया गया है। कंडीशनर में हमने एक ऐसी चीज डाली है जिसको हम हाइड्रोलाइज किनुआ प्रोटीन कहते हैं। किनुआ के बारे में हमने पहले भी सुना है, किनुआ प्रोटीन से भरपूर होता है, और हमारे बालों की जो ऊपर की लेयर होती है ना केराटिन, वो भी प्रोटीन से ही बनी होती है। तो एक नेचुरल प्रोटीन है जो बालों के कलर के रिटेन को रिटेन करके रखता है, आपके बाल का जो कलर है उसको बचा के रखता है, बालों को स्मूथ करता है। और जैसा हम सबको पता है, किनुआ कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। जो ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है वो भी आपको किनुआ देता है। तो बाल अगर प्रोटीन के बने, उसको आप प्रोटीन देंगे, तो बाल अगर कोई डैमेज हुए हैं तो उसको भी अच्छा करने में ये किनुआ प्रोटीन मदद करता है। आपके बालों को अंदर से जाकर हाइड्रेट करता है, आपके बाल अगर खराब हुए हैं तो उसको रिपेयर करने में भी मदद करता है। इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल हैं जो बालों के ग्रोथ में भी मदद करते हैं। याद रखिएगा, मार्केट के कंडीशनर आपके बालों को ग्रोथ नहीं देते हैं, ये कंडीशनर है जो आपके बालों को ग्रोथ देने में भी, बढ़ाने में भी मदद करता है। इसमें होहोबा ऑयल भी डाला गया है। ये जो होहोबा ऑयल आप देख रहे हैं, ये आपके बालों को अंदर से मॉइस्चर देता है, आपके बालों का नेचुरल जो बैलेंस है। हमें डैंड्रफ वगैरह क्यों होता है, क्योंकि अगर आपके सिर का जो बैलेंस है, स्कैल्प का जो बैलेंस है, पीएच बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको मेंटेन रखता है, डैंड्रफ होने से भी बचाता है, बालों की ग्रोथ में मदद करता है। और जो अगर हम बालों को स्टाइलिंग करते हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं, आयरनिंग कर रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं, इनसे भी बचाने में मदद करता है। ऑलिव ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बालों को मॉइस्चराइज करता है, आप बालों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, बालों को मुलायम करता है, डैंड्रफ से दूर रखता है। और स्प्लिट एंड्स, लेडीज को ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, बाल दो मुंहे हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है, उससे भी बचाता है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार इंडियन मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट आया है, कंडीशनर की बात कर रही हो, जिसमें सनस्क्रीन डाला गया है जो आपके बालों को धूप से बचाता है। इसमें हमने वाटर सॉल्युबल सनस्क्रीन डाला है जो आपके बालों को, मैंने आपको पहले भी बताया था, दो तरीके की सूरज की किरण होती है, जो यूवीबी होता है, जो आपके वो बालों पे पड़ता है तो बालों को भी तो डैमेज करता है। तो पहला सनस्क्रीन है जो आपके बालों को डैमेज करता है, तो उस ये जो पहला सनस्क्रीन है, पहला प्रोडक्ट है जिसमें सनस्क्रीन है जो आपके बालों को धूप से बचाने में मदद करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखिएगा, मार्केट में एक शैम्पू है लॉरियल का जो आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है, वो उन लोगों के लिए बनाया गया जो अपने बाल को हेयर कलर करते हैं, तो हेयर कलर को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो एक लैब में जब स्टडी किया गया तो क्या देखा, लॉरियल का जो हेयर कलर है, हेयर कलर का जो कंडीशनर है, वो आपके बालों को जितना प्रोटेक्ट कर रहा है, अपना 8-in-1 जो हेयर कंडीशनर है वो उससे 30% ज्यादा आपके बालों को हेयर केयर, आप अगर बालों को केयर करते हैं, 30% ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, मार्केट के प्रोडक्ट से ये जो कंडीशनर है वो बहुत यूनिक कंडीशनर बनाया गया। तो आपको ये वाला यूएसपी हमेशा याद रखना है अपने कंडीशनर को लेकर। आपके बालों को झड़ने से भी ये प्रोडक्ट, मैंने आपको पहले बताया 8-in-1 है, 8-in-1 8 बेनिफिट सिंगल कंडीशनर देता है, बालों को झड़ने से बचाता है, बालों को ग्रोथ करने में मदद करता है, और हमारे बालों का जो कलर है, बहुत सारी लेडीज जो हेयर कलर करती है उनका प्रॉब्लम रहता है कि जब हम शैम्पू करते हैं ना तो बाल का कलर निकल जाता है। अगर आप शैम्पू करने के बाद, आप अगर एलिमेंट्स वेलनेस का अगर शैम्पू कर रहे हैं, उसके साथ आप एलिमेंट्स वेलनेस का हेयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं, तो 30 वॉशेस तक आपके बाल पे वो शाइन, वो कलर जो होता है वो बरकरार रखता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर आपको ये देता है, आपके बालों को धूप से बचाता है, बाल अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर भी करता है, आपके बालों को सिल्की करता है। तो अगर आपको उसका रियल ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, हर हफ्ते जब भी आप अपने बालों को शैम्पू करते हैं ना, ये कंडीशनर आप यूज करके देखिए, आपको रिजल्ट अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इसमें प्रोटीन भी है, बाल प्रोटीन के बने हैं, तो प्रोटीन आपको रिपेयर कर देता है, होहोबा ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, और इसमें सनस्क्रीन भी डाला गया है, आपके बालों को ऑर्गेनाइज्ड करता है। जब आप कंडीशनर करते हैं ना तो आपके बालों को एकदम ऑर्गेनाइज कर देता है, आपके बाल अलग अलग नहीं दिखते हैं, और आपके बालों को धूप से भी बचाने में मदद करता है। डैमेज्ड और ट्रीटेड हेयर, मतलब अगर आपके बाल रूखे हो गए हैं उसमें लगाइए,
आप अगर कोई हेयर ट्रीटमेंट आपने लिया है तो आप उसमें भी ये हेयर कंडीशनर यूज कर सकते हैं। बहुत सारी लेडीज मुझसे पूछती है कि मैम हेयर कलर करवाया है, आजकल की लेडीज ज्यादा हेयर कलर करवा रही है, स्मूथनिंग करवा रही है, स्ट्रेटनिंग करवा रही है, अगर आप ये सब करवा रहे हैं तो आपके बालों को ये प्रोटेक्ट करता है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जो स्मूथनिंग हम करवाते हैं उसके बाद मार्केट में से बहुत सारे हेयर कंडीशनर होते हैं जो 2,000-3,000 के कंडीशनर होते हैं। मैंने खुद ऐसे कंडीशनर यूज किए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये जो कंडीशनर है आपको बहुत ही अच्छे रेट में आपको मिल रहा है, जो आपके बालों को अल्ट्रा कंडीशनिंग देता है, एक्स्ट्रा कंडीशनिंग देता है, आपके बालों को भी रिपेयर करता है, धूप से भी बचाता है और 30 वॉशेस तक आपको ये बेहतर रिजल्ट देता है। ऐसा प्रोडक्ट अभी मार्केट में आपको कोई नहीं मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज, इसको हमने डर्मेटोलॉजिकली भी टेस्ट किया है स्किन सेफ्टी के ऊपर। हमारे जो भी स्किन केयर के, जो भी आपके हेयर केयर के प्रोडक्ट है, सबको डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट किया गया है। इन सारे किसी भी प्रोडक्ट का आपके स्किन पे कोई भी बुरा असर नहीं होता है। तो उस तरीके से ये हेयर कंडीशनर हमारा काम करता है। बालों को अच्छे से आप पहले वॉश कर लीजिए, आपका ऑयल वगैरह जब अगर निकल जाए, इसको अपने बालों पे आप स्कैल्प से लेकर आप हर जगह शाफ्ट तक लगा सकते हैं। एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, मार्केट के जो कंडीशनर होते हैं ना, वो हमेशा कहते हैं कि अपने शाफ्ट पे लगाइए, मतलब बाल जो आपके दिख रहे हैं बस उस पे लगाइए, स्कैल्प पे मत लगाइए। हम कहते हैं कि स्कैल्प पे भी लगाइए, क्योंकि ऑलिव ऑयल है, होहोबा ऑयल है, आपको वो ग्रोथ करने में भी मदद करता है, तो आप अपने स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं। लगाने के 2-3 मिनट तक आपको छोड़ देना है, दिन हफ्ते में 2 बार यूज करना है, और कोशिश करिए एलिमेंट वेलनेस का शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों साथ में ही आपको यूज करना है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये हमारा 8-in-1 हेयर कंडीशनर था। अभी अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं, कंप्लीट केयर की बात करूं, तो कंप्लीट केयर में हमने माइल्ड चीजें डाली है, उसमें मार्केट में 2 कंडीशनर होता है, कंप्लीट केयर में 4 कंडीशनर है। एंटी डैंड्रफ की बात करूं तो डैंड्रफ से लड़ने में मदद करता है, नेचुरल एक्टिव है, जो बालों में खुजली वगैरह हो रही है उसको कम करता है, और उसमें भी हमने 4 कंडीशनर डाले। उसके साथ जो हमारा हेयर कंडीशनर है, ये पहला कंडीशनर मार्केट में है जिसमें हमने सनस्क्रीन डाला है, जो आपके बालों को भी धूप से बचाता है। तो ये कॉमन पॉइंट्स है जो हमें हर एक प्रोडक्ट के ऊपर याद रखना है। अब बात करें, आपने बालों में शैम्पू तो अच्छा लगा लिया, लेकिन अगर आपके बालों में, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो बाल झड़ेंगे ही। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि हेल्दी डाइट लेना अच्छा है। अगर आप शैम्पू कंडीशनर यूज कर रहे हैं, साथ में 95 भी लीजिए, आयरन भी लीजिए, कैल्शियम भी लीजिए, न्यूट्रीलाइट भी लीजिए, स्पिरुलिना भी लीजिए, तो आपके बाल अंदर से स्ट्रांग होंगे। तो जब अंदर से स्ट्रांग होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाल बाहर से भी जब आप केयर करेंगे तो अंदर बाहर दोनों से आपके बालों का प्रॉपर केयर हो पाता है। और हमेशा याद रखिएगा, हेयर ऑयलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसमें 3 तरीके के ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ है तो आपने चंपी ऑयल से चंपी कर लिया, एंटी डैंड्रफ से वॉश कर लिया। अगर आपके बाल सफेद वगैरह हो रहे हैं तो आपने भृंगराज से चंपी कर लिया और अपना कंप्लीट केयर से शैम्पू कर लिया, या आप आंवला का, न्यू स्टार का भी हमारा ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयलिंग जरूर करिएगा, शैम्पू करने से पहले 2-3 घंटे पहले आप ऑयलिंग